अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज इस वीडियो में करने वाला हूं कंपैरिजन ओप्पो A3s का रियलमी C1 के साथ। रियलमी जो है ओप्पो का ही सब ब्रांड है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों की स्पीड टेस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की सेम स्पेक्स हैं लेकिन प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओप्पो A3s 21,999 यानी 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर है और रियलमी C1 18,999 रुपये यानी 19,000 रुपये की प्राइस के अंदर है। तो हम यहाँ पे 3,000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस है। आज हम चेक करेंगे प्राइस का डिफरेंस क्यों है, इन दोनों में क्या वजह है, परफॉर्मेंस चेक करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, दोनों के गीकबेंच स्कोर्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोनों मोबाइल के हम तमाम स्पेसिफिकेशन भी चेक करेंगे, गीकबेंच स्कोर्स, कैमरा रिजल्ट और दोनों मोबाइल की हम स्पीड टेस्ट करेंगे इस वीडियो में आगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोनों डिवाइसेस की ऑन होने की स्पीड। तो अभी दोनों डिवाइस ऑफ है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, ऑन करते हैं और हम देखते हैं पहले डिवाइस कौन सी ऑन होती है। रियलमी ओप्पो, हम देखते हैं कौन सी डिवाइस ज़्यादा टाइम लेती है उन्होंने में, कौन सी जल्दी ऑन होती है। दोनों का तकरीबन टाइम सेम था, 0.5 का डिफरेंस आया होगा रियलमी की जल्दी स्क्रीन ऑन करने में और ओप्पो के थोड़ा सा 0.5 का डिफरेंस होगा, मतलब मेरे ख्याल से तकरीबन टाइम सेम है दोनों डिवाइस का ऑन होने का। तो अब हम चेक करते हैं दोनों डिवाइस के अंदर ऐप ऑन होने की स्पीड, यानी ऐप कितना टाइम लेती है ऑन होने में। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरे राइट हैंड में जो है रियलमी है और लेफ्ट हैंड में ओप्पो है। तो अब हम चेक करेंगे दोनों ही की ऑन होने की स्पीड, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी बैकअप पे कोई ऐप तो नहीं चल रही, दोनों में बैकअप पे कोई ऐप नहीं है। और सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं दोनों ही के अंदर क्रोम ऑन कर लेते हैं। क्रोम ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया ओप्पो A3s ने। उसके बाद हम ऑन कर लेते हैं कैमरा, कैमरा लॉन्च होने में भी थोड़ा सा टाइम लिया, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, दोनों का स्पीड सेम है। अभी हम चेक कर लेते हैं सेटिंग ऑन करके दोनों डिवाइसेस की, ये आपके सामने है दोनों की। अगर आप स्पेक्स कंपेयर करना चाहें तो दोनों की स्पेक्स भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे आपको स्पेक्स के लिए मैंने अलग अलग दोनों की वीडियो बना चुका हूं, उससे पहले मैं रियलमी C1 का भी रिव्यू कर चुका हूं और ओप्पो A3s का भी रिव्यू कर चुका हूं। तो अगर आप स्पेक्स को और तमाम डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। तो हम दोनों ही मोबाइल के अंदर आप गेमिंग की भी चेक कर लेते हैं, गेम ऑन करके गेम की स्पीड ऑन कितनी है, ऐप ऑन होने की स्पीड कितनी है। सर्वे सर्फर सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ, ओप्पो गेम स्पेस और रियलमी गेम स्पेस। ओप्पो A3s में गेम स्टार्ट हो चुका है जबकि रियलमी के अंदर अभी गेम ऑन हो रहा है, तो ये अब लेट लोड हो चुका है। तो आपने जैसे देखा रियलमी में थोड़ा सा लेट ऑन किया है इस गेम को। अब हम दूसरा कोई गेम खोल लेते हैं, हम खोलते हैं बबल शूटर। बबल शूटर की स्पीड में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रियलमी ने थोड़ा सा जल्दी ऑन किया है, बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस जो दोनों में देखने में नहीं आया। अब हम दूसरी गेम को ऑन कर लेते हैं, हम देखते हैं शेडो फाइट 2। दोनों ही डिवाइसेस के अंदर फुल स्क्रीन मोड पे ऑन किया मैंने। इसमें थोड़ा सा रेल भी आगे चल रहा है लेकिन बहुत मामूली सा फर्क है। अभी एक गेम और था हमारे पास, हम उसको भी चेक कर लेते हैं, जूबी हंटर। दोनों ही हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं।
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.5 का डिफरेंस होगा, तकरीबन सेम स्पीड है। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। मैं आपको इसके गीक बेंच स्कोर्स भी दिखा देता हूँ दोनों ऐप के, दोनों मोबाइल्स के। ये दोनों मोबाइल के गीक बेंच स्कोर्स भी आ गए हैं आपके सामने। सिंगल कोर स्कोर ओप्पो A3s का 757 है और रियलमी C1 का 751 है, तो 6 पॉइंट का डिफरेंस है इसके सिंगल कोर स्कोर के अंदर। और मल्टी कोर स्कोर में ओप्पो A3s का 2377 है और रियलमी का 2676 है, तो मल्टी कोर स्कोर जो है रियलमी का ज़्यादा है और सिंगल कोर स्कोर जो है ओप्पो A3s का ज़्यादा है। तो ये एक एबनॉर्मल सी चीज़ है जो कि आप मैंने पहली बार देखी है कि मल्टी कोर स्कोर में रियलमी आगे है और सिंगल कोर स्कोर में A3s आ गया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रियलमी जो है दोनों ज़्यादा स्कोर में ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इसकी स्कोर से मल्टी कोर 2676 है, उसका मल्टी कोर 2377 है और सिंगल कोर 751 और 757, यानी कि 6 पॉइंट का फ़र्क है सिंगल कोर में और मल्टी कोर में ज़्यादा फ़र्क है। तो रियलमी को हम ज़्यादा इसमें पॉइंट देंगे कि रियलमी यहाँ पर बाजी ले गया ओप्पो A3s से। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इन दोनों ही डिवाइस से ली गई पिक्चर्स और वीडियो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कैमरे के अंदर ओप्पो A3s और रियलमी C1 के फ्रंट कैमरे में से जो डिफरेंस है, यानी आपको जो फ्रंट पे कैमरा मिल रहा है ओप्पो A3s के अंदर आपको फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जबकि रियलमी C1 के अंदर आपको फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैमरे में फ्रंट कैमरे में डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बैक कैमरे दोनों के सेम है। बैक पे आपको रियलमी C1 में भी 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल रहे हैं और ओप्पो A3s के अंदर भी 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल रहे थे। तो फ्रंट कैमरे में सिर्फ डिफरेंस है। दोनों डिवाइसेस की अप साइड जो है वो ब्लैंक है। अब अगर मैं इसकी राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड पर दोनों ही डिवाइस के अंदर पावर बटन दिया गया है, और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड की दोनों डिवाइस में लेफ्ट साइड पर आपको वॉल्यूम बटन मिलेंगे और सिम इजेक्टर पिन मिलेगी दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसी तरह अगर हम फ्रंट साइड पर बात करें तो फ्रंट साइड पर आप दोनों डिवाइसेस के अंदर कैमरा मिलने वाला है और दोनों की नॉच स्क्रीन है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड पर दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको एक ऑडियो जैक मिलने वाला है, एक चार्जिंग जैक मिलने वाला है और स्पीकर मिलने वाला है। बैक साइड दोनों की प्लास्टिक है, लेकिन उसमें कोडिंग हुई है जिस तरह से आपको ग्लास बॉडी लगेगी, लेकिन प्लास्टिक बॉडी है। ओप्पो की ब्रांडिंग हुई है, रियलमी की ब्रांडिंग नीचे हुई हुई है, ओप्पो की ब्रांडिंग थोड़ी सी ऊपर हुई हुई है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों डिवाइसेस के अंदर, बाकी दोनों डिवाइस सेम है। और रेजोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोनों डिवाइस का सेम रेजोल्यूशन रखा हुआ है, ब्राइटनेस फुल रखी दोनों डिवाइसेस की। तो गाइस ये था दोनों डिवाइसेस का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। आपने देखा दोनों डिवाइस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर करें। मुझे रियलमी C1 ज़्यादा पसंद आई, रियलमी C1 और ओप्पो A3s की स्पीड टेस्ट के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आपने देखा दोनों ही डिवाइसेस सेम वक्त पे ऐप ऑन कर रही हैं, सेम वक्त पे ऐप लॉन्च कर रही हैं और दोनों डिवाइसेस ऑन होने में भी सेम थी, तो इनकी परफॉर्मेंस दोनों की तकरीबन सेम है, क्योंकि दोनों में स्नैपड्रैगन 450 लगाया गया है। और इसमें हम कैमरे में सिर्फ हमें 0.5 का फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट का और उसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा है फ्रंट का, बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों डिवाइसेस के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस दोनों डिवाइस की सेम है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो मैं प्रेफर करूँगा आपको आप बाय करें रियलमी C1 को, क्योंकि जब आपको सेम परफॉर्मेंस सेम स्पैक्स सेम कन्फिगेशन मिल रही है 19,000 रुपये के अंदर, तो आप क्यों 22,000 रुपये के अंदर वही स्पैक्स बाय करेंगे सिर्फ एक कैमरे के डिफरेंस की वजह से। तो मैं प्रेफर करूँगा आप बाय करें रियलमी C1। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।